प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी, अधिक ब्लीडिंग होने से मौत, नाराज परिजनों ने रोड जाम किया। डॉक्टर बोले रेयर केस में ऐसा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। शनिवार रात जिला अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब एक प्रसूता की नॉर्मल डिलीवरी के बाद अधिक ब्लीडिंग होने से मौत हो गई। इस मामले में जहां परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं डॉक्टरों ने इसे रेयर केस माना है। उन्होंने कहा इसे इलाज में लापरवाही नहीं कहेंगे। वहीं रविवार सुबह परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पीड़ित परिवार सहित लोधा समाजजनों ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल लोधा मोहल्ला बघाना निवासी नीलम पति राहुल लोधा, उम्र 27 वर्ष, को नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। करीब एक घंटे के बाद प्रसूता को ब्लीडिंग शुरू हो गई, इससे प्रसूता की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतिका के परिजन और समाज जन जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नीमच कैंट थाने पर पहुंच गए, जहां डिलीवरी के समय उपस्थित महिला चिकित्सक डॉक्टर निकिता सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मृतिका के परिजनों और समाजजनों ने बताया कि नीलम पति राहुल लोधा को दूसरी डिलीवरी के लिए परिजन 2-3 दिन से तकलीफ होने पर रोज अस्पताल में दिखाने ला रहे हैं, लेकिन उसका सही इलाज नहीं किया जा रहा था। शनिवार को वे प्रसूता को लेकर दोपहर में एक निजी नर्सिंग होम गए थे, वहां दवाइयां खरीदी थी। शाम को जिला अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर निकिता सिंह ने नॉर्मल डिलीवरी करवाई। नीलम ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म देने के करीब एक घंटे बाद प्रसूता को ब्लीडिंग शुरू हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ गई, कुछ देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लाड धाकर ने स्टाफ को बुलाया, काफी कोशिश की, लेकिन अधिक ब्लीडिंग होने पर महिला ने रात 10:30 पर दम तोड़ दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र पाटिल भी अस्पताल पहुंचे और स्टाफ से मामले की जानकारी ली। डॉक्टर पाटिल ने कहा कि डिलीवरी के बाद कभी कभी 24 घंटे के भीतर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इसे चिकित्सा की भाषा में PPH कहते हैं। इसमें अत्यधिक रक्तस्राव से प्रसूता की मौत हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, फिर भी हम डिलीवरी करवाने वाले संपूर्ण स्टाफ के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही करेंगे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।